हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। आज हम अमेंडमेंट 2019 को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने अमेंडमेंट 2019 को डिस्कस किया, मतलब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने कवर किया हुआ है। आज हम समरी डिस्कस करेंगे, एक कंप्लीट समरी जो कि बेसिकली बेस्ड होगी 2019 के अमेंडमेंट पे। इसको मैंने बेसिकली थ्री पार्ट में डिवाइड किया हुआ है डिस्कशन के लिए। आज हमारा ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर 12 तक जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसमें एक चैप्टर आता है 11, तो चैप्टर जो 11 है बेसिकली ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, कंप्लीट चैप्टर ही है, आप समझ लो चेंज कर दिया गया है। तो इसको मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा। बेसिकली यहाँ पे उसके रिलेटेड जो अमेंडमेंट होंगे वो मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ है। तो चैप्टर 1 से लेकर 12 आज हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर 11 को मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा, और चैप्टर 12 के बाद के जो अमेंडमेंट है उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, और पार्ट 3 में हम इंश्योरेंस को डिस्कस करेंगे बेसिकली। बट जो सेकेंड पार्ट है, जो हमारा चैप्टर 12 के बाद के जो अमेंडमेंट है, वो ऑलरेडी मैंने जब मोटर व्हीकल एक्ट का लेक्चर बनाया है उसमें ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। बट नेवर्थलेस यहाँ पे हम उस सबकी समरी को एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपको सर्च करना है @ मनु एकेडमी। आप मनु एकेडमी का फेसबुक पेज भी ज्वाइन करना ना भूलें। तो सबसे पहले आप एक कॉलम को समझ लो कि कॉलम मैंने किस हिसाब से मेंशन किए हुए। तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम है इसमें 2019 के जो सेक्शन है वो मेंशन किए गए हैं, और 2019 के इस सेक्शन में 1988 के किस सेक्शन को अमेंड किया गया है ये हमारा सेकेंड कॉलम में मेंशन है। और जो हमारा थर्ड कॉलम है उसमें अमेंडमेंट से रिलेटेड समरी मेंशन है कि बेसिकली किन चीजों को अमेंड किया गया है, किसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे हम पैराडी की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉलम थर्ड। इसको आपको सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ना और इसको याद रखना। उसके बाद आपका कॉलम टू है कि कौन से सेक्शन को अमेंड किया गया है बेसिकली 1988 के, और उसके बाद आपका सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंट है 2019 के कौन से सेक्शन में किसको अमेंड किया गया। तो ये जो सेक्शंस हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली 2019 वाले। आपके मोटर व्हीकल एक्ट के कौन से सेक्शन को अमेंड किया गया है वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आप ना भी याद रखोगे तो चलेगा। जैसे हमारा सेक्शन टू है, ये हम सेक्शन टू की बात कर रहे हैं किसके, 2019 के सेक्शन 2 की। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये हमारे मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन नहीं है। तो मोटर व्हीकल एक्ट के कौन से सेक्शन को यहाँ पे अमेंड किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, वो है सेक्शन 2 का फर्स्ट क्लॉज 1A। वो भी ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बेसिकली बहुत सारे डिफिनेशंस आपको पता है, सेक्शन 2 जो है बेसिकली डिफिनेशन दिया गया रहता है हमारे एक्ट से रिलेटेड। तो वहां पे कुछ डिफिनेशंस ऐड की गई हैं, कुछ डिफिनेशंस को मॉडिफाई किया गया है, कुछ को ऑमिट कर दिया गया है, इस टाइप की चीजें हैं। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट एज सच यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने मेंशन कर दिया है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर ऑलरेडी आपको पता है, बहुत बार हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है कि एक्सीडेंट के बाद 1 आवर का जो पीरियड होता है उसे हम गोल्डन आवर कहते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी की लाइफ को सेव किया जा सके। बाकी ये सारी डिफिनेशंस भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इनवैलिड कैरेज, इसके बारे में मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया हुआ था। इनवैलिड कैरेज बेसिकली फिजिकली हैंडीकैप जो लोग होते हैं उनके लिए एक व्हीकल्स होती है जिसको डिफाइन किया गया है। यहाँ पे इनवैलिड कैरेज को एडॉप्टेज कैरेज में चेंज कर दिया गया। तो यहाँ पे एडॉप्टेज कैरेज की डिफिनेशन दी गई है, बाद में जो हमारा सेक्शन 10 है मॉडिफिकेशन का वहां पे इसको एडॉप्ट कर लिया गया है, इनवैलिड कैरेज को रिप्लेस कर दिया गया है, वो आगे आएगा आप देखोगे भी। जो हमारा सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 2019 का, इसमें हमने अमेंड किया है हमारा, मतलब एक नया सेक्शन इसमें इंसर्ट कर दिया गया है, दैट इज 2B। हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसमें नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है 2B। यहाँ पे बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्पावर किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। कैसे, जैसे कि आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शन है, आप व्हीकल को अल्टर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रिसर्च को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्पावर किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो प्रमोट कर सकती है, एग्जम्पशन दे सकती है किसी को कि वो व्हीकल को अल्टर करे, कुछ रिसर्च करे, उसमें मॉडिफिकेशन करे ताकि व्हीकल की एफिशिएंसी बढ़ पाए, हम जो पॉल्यूशन है उसको डिक्रीज कर पाए, व्हीकल की सेफ्टी बढ़ पाए। तो इस तरीके की इम्पावरमेंट दी गई है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को बेसिकली। अब हम बात करते हैं हमारे सेक्शन 4 के, यहाँ पे क्लॉज मेंशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये हमारा सेक्शन है 2019 का। यहाँ पे हमने जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसके सेक्शन 8 को मॉडिफाई किया हुआ है। सेक्शन 8 कहता किसके बारे में है, ग्रांट ऑफ लर्नर लाइसेंस। तो लर्निंग लाइसेंस पहले जैसे कि इसमें रिस्ट्रिक्शन था कि आप जिसके ज्यूरिडिक्शन में आते हो वहीं पे अप्लाई कर सकते हो, अब वो रिस्ट्रिक्शन हट गया है। पहले था जिस ज्यूरिडिक्शन में आप आते हो वहीं के लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आप अप्लाई कर सकते हो, वहां पे आप वर्ड एनी डाल दिया गया है, मतलब आप
पूरे स्टेट में किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन। हमने डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया हुआ है, चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है कि आप कहीं से भी लर्निंग लाइसेंस ऑप्टेन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं जो सेक्शन 5 है उसके क्लॉज 1, 2, 3 में मॉडिफिकेशन, मतलब बेसिकली ऐड किया गया है ये 2019 के। यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन है वो है मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 9 में, जो बात करता है ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। तो उसका जो सबसेक्शन 1, 2, 3 है इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। अल्टीमेटली जो मॉडिफिकेशन की समरी है, यहाँ पे भी वही चीज है। पहले भी लाइसेंस आप कहाँ पे लेते थे? जिसके ड्यूरिडिक्शन में आप आते थे। ये ड्यूरिडिक्शन का मतलब क्या है? मतलब जहाँ पे आपका रेजिडेंस है, आपका जो रेजिडेंस प्रूफ है वो जिस एरिया का है आप वहीं पे अप्लाई कर सकते थे। बट अब ऐसा नहीं है, आपका जो रेजिडेंस है वो किसी भी तहसील का हो, किसी भी ब्लॉक का हो, आप पूरे स्टेट में किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास लर्निंग लाइसेंस के लिए या फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसे आप देख रहे हो कि काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अब इसमें ये फायदा और है कि जो आपको एड्रेस चेंज करने के बाद में प्रॉब्लम होता था कि आप कहीं पे रिलोकेट हो रहे हो तो उसको आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बताना पड़ता था, तो ये सारी चीजें अब हट जाएंगी जो नए मॉडिफिकेशन आ रहे हैं उसके हिसाब से। एक और मेजर मॉडिफिकेशन है यहाँ पे, मिनिमम एजुकेशन को जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए कंपल्सरी था उसको हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। मतलब कुछ भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस चाहिए तो। यहाँ पे एक चीज ऐड की गई है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अथोराइजेशन से स्कूल एस्टेब्लिश हैं, जो बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं आपको ड्राइविंग से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का, तो अगर आप उस कैटेगरी के व्हीकल का लाइसेंस चाहते हो और वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के कैटेगरी में आती हो तो आपको मिनिमम एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको बस ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी। और ट्रेनिंग कितने ड्यूरेशन की होगी ये ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स की हुई है कि किस कैटेगरी के व्हीकल के लिए कितने दिन की ट्रेनिंग होगी। तो अगर आपके पास वो ट्रेनिंग है तो यू आर एलिजिबल टू ऑब्टेन द ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस, आपको कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बार वहां पे नहीं हटा दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 है ये 2019 का, इसमें हमने अमेंड किया है मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 10 को, फॉर्म एंड कंडक्टर ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव। यहाँ पे बेसिकली जो इसकी समरी है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा, इनवैलिड कैरेज को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है एडॉप्टेड व्हीकल से। इनवैलिड कैरेज ऑलरेडी मैंने डिफिनेशन आपको बताया है, तो उसी को एडॉप्ट कर लिया गया है एडॉप्टेड व्हीकल से। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, नेक्स्ट जो सेक्शन है 7 का फर्स्ट क्लॉज। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मैंने किसी क्लॉज को छोड़ दिया हो, आगे भी ऐसा हो सकता है, बट नेवरदलेस बहुत ज्यादा आपको वरीड नहीं होना है। जो भी इंपॉर्टेंट है सबको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, जो कोई ऐसी चीजें हैं बहुत जनरल चीजें मेंशन है उन्हीं को मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है बस। तो यहाँ पे जो सेक्शन 7 का फर्स्ट क्लॉज है इसमें हमने अमेंड किया बेसिकली सेक्शन 11 को, जो मोटर व्हीकल एक्ट का है, जो बात करता है एडिशन टू ड्राइविंग लाइसेंस। अब आपके पास ऑलरेडी कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, आप उसमें ऐड करना चाहते हो किसी और कैटेगरी के व्हीकल को, तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा, और ये भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है 8, इसमें अमेंड किया गया हमारे सेक्शन 12 को। सेक्शन 12 बात करता है लाइसेंस एंड रेगुलेशन ऑफ स्कूल एस्टेब्लिशमेंट इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें बेसिकली जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, मिनिमम क्वालिफिकेशन को हटाया गया है। तो वहां पे आपको जिस स्कूल, जो स्कूल आपको ट्रेनिंग देगा, बेसिकली उस स्कूल के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड यहाँ पे बातें की गई हैं। ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया हो कि क्या मिनिमम क्राइटेरिया होती है, क्या प्रोसीजर होता है लाइसेंस लेने का। तो यहाँ का कंक्लूजन यही है कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के व्हीकल का, तो आपको जो एजुकेशन वाला टर्म है वो हटाया गया है, वहां पे ऐड किया गया है कि आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए, मिनिमम ड्यूरेशन की ट्रेनिंग होनी चाहिए दैट स्पेसिफाइड व्हीकल के कैटेगरी का, जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किया है कि इतने ड्यूरेशन की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल होगे उस कैटेगरी के व्हीकल को ऑप्टेन करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन 9 है, इसमें सेक्शन 14 को रिमूव किया, मतलब सेक्शन 14 को अमेंड किया गया है, करेंसी ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव द मोटर व्हीकल। बेसिकली यहाँ पे वैलिडिटी के बारे में बात हुई है, तो वैलिडिटी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रख लेना। बहुत बार इसमें कंफ्यूजन भी हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इसमें पोस्ट डाला, बहुत बार मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आए, तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन अपना दूर कर लेना। पहली चीज है ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए पहले वैलिडिटी कितना हुआ करती थी, दैट इज 3 ईयर, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया 5 ईयर। यहाँ पे क्वेश्चन दो टाइप से हो सकते हैं, डायरेक्टली आपसे वैलिडिटी पूछेगा तो आप 5 ईयर करोगे, अगर ये पूछेगा कि कितना वैलिडिटी में एक्सटेंशन किया गया है इन द 2019 के अमेंडमेंट में, तो कितना का हुआ एक्सटेंशन, यहाँ पे 2 ईयर का हुआ है, पहले 3 ईयर था अब 5 ईयर हो गया है। नेक्स्ट जो है
अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल है दैट कैरी द हैजार्डस गुड, तो इसकी पहला इसकी वैलिडिटी थी 1 ईयर की, अब इसको कर दिया गया है 3 ईयर। तो यहाँ भी दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अगर डायरेक्टली आपसे वैलिडिटी पूछा जाता है तो आप 3 ईयर मेंशन करोगे, अगर एक्सटेंशन इन वैलिडिटी पूछा जाता है तो यहाँ पे एक्सटेंशन कितना हुआ है, 2 ईयर का हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी कभी आपको जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट में जो चीजें दी गई हैं उनको आप भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि कंपैरेटिवली क्वेश्चन या फिर कंपैरिजन करके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 में हमने मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 15 को अमेंड किया हुआ है। 15 बात करता है रिन्यू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। तो यहाँ पे इसके पहले आपके एक्सपायरी के 30 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता था, यहाँ पे 30 डेज को चेंज करके अब 1 ईयर कर दिया गया है। आप 1 ईयर बिफोर भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका लाइसेंस अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, एक्सपायर होने में 1 साल बाकी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर एक्सपायर होने के 1 ईयर बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज और है, अगर एक्सपायर होने के 1 साल बाद आपने अप्लाई किया है तो आपको अपियर होना पड़ सकता है टेस्ट के लिए। अगर अथॉरिटी को लगता है कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हो टू ड्राइव द व्हीकल तो आपको अपियर होना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। बेसिकली सब सेक्शन 3 अब सेक्शन 9 के हिसाब से जो भी टेस्ट, ये सेक्शन किसके बारे में बात करता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड टेस्ट होंगे टू ग्रांट द ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें आपको अपियर होना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है 11, इसमें अमेंड किया गया हमारे सेक्शन 19 को। 19 बात करता है पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिसक्वालीफाई फॉर होल्डिंग द ड्राइविंग लाइसेंस और रिवोक द लाइसेंस, इसके बारे में। तो यहाँ पे भी सेक्शन सब सेक्शन 4 की बात की गई है हमारे सेक्शन 206 के। तो यहाँ पे जो सब सेक्शन है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, बेसिकली न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है ये, आप देख सकते हो आगे आएगा भी तो हम पढ़ेंगे। बेसिकली वहाँ पे ऑफेंस की बात की गई है इन सारे सेक्शन के, 183, 184, 5, 89, 90, ये सारे सेक्शन हैं। अगर इन सारे सेक्शन में आप ऑफेंस करते हो फर्स्ट टाइम तो आपका लाइसेंस 3 मंथ के लिए 3 मंथ के लिए आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर आप सेकेंड ऑफेंस करते हो तो आपके लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है, तब रिवोक कर दिया गया एक बार आपका लाइसेंस, तो दोबारा अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो फिर से जो इनिशियल प्रोसेस होता है, जो भी टेस्टिंग का फॉर्म भरने का जो भी प्रोसेस होता है वो आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है सेक्शन 12, यहाँ पे इंसर्ट किया गया है एक नया सेक्शन 25, ऑलरेडी आपके मोटर व्हीकल एक्ट में एक सेक्शन है, यहाँ पे 25A इंसर्ट किया गया है। 25A बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्पावर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस मेंटेन करेंगी, जिसमें सारी चीजें प्रिस्क्राइब होगी और डिटेल वहां पे मेंशन किया गया है कि क्या क्या चीजें उसमें मेंशन करना है, क्या क्या चीजें होना चाहिए। तो बेसिकली उसके बारे में बात करें, एज सच बहुत ज्यादा इसका डिस्क्रिप्शन आपको याद नहीं रखना है। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 13, सेक्शन 13 में हमने सेक्शन 26 को अमेंड किया है। 26 बेसिकली बात करता है मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट रजिस्टर के बारे में। तो जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है नेशनल रजिस्टर मेंटेन करेगी फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस, वो बेसिकली उसके लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि लाइसेंस तो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी फॉर्मेट देगी उस फॉर्मेट में हमारे स्टेट गवर्नमेंट को एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा, जिसे हम कहेंगे स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर्ड, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एक जो हमारा सेक्शन 14 है इसमें अमेंड किया गया है सेक्शन 27 को। 27 बात करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्पावर किया गया है कि जो हमारा चैप्टर सेकेंड है उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या उससे रिलेटेड कोई भी रूल वो बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन 16 है जिसमें अमेंड किया गया है सेक्शन 40 को, रजिस्ट्रेशन वेयर टू मेड, कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, जैसे इससे पहले मैंने बात किया था वही चीजें यहाँ पे भी मेंशन है। तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए किसी पर्टिकुलर लोकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर आपका जहाँ पे रेजिडेंस है वहीं पे नहीं करना है, पूरे स्टेट में आप कहीं भी अपने व्हीकल को रजिस्टर्ड करा सकते हो। नेक्स्ट जो सेक्शन 17 है यहाँ पे सेक्शन 41 को अमेंड किया गया है, रजिस्ट्रेशन हाउ टू मेड। अब जो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट होगा दैट विल इश्यू ऑन द नेम ऑफ ओनर, जो व्हीकल का ओनर है उसके नाम से होगा, रदर देन द जो रजिस्टर्ड ओनर है उसके नाम से। इसको थोड़ा कुछ आप ऐसे समझ लो कि अगर आपने व्हीकल लोन पे लिए हैं तो वहां पे रजिस्टर्ड ओनर अलग अलग होते थे, व्हीकल का जो एक्चुअल ओनर है वो तो आप है, बट आपने लोन लिए हैं तो वहां पे बैंक का भी नाम रहता था, तो वो एक तरह का रजिस्टर्ड ओनर है। तो अब उसके नाम से आरसी बुक नहीं बनेगी, अब केवल ओनर के नाम से आरसी बुक बनेगी। तो जो बाद में उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता था, नाम चेंज करवाना पड़ता था, वो सारी चीजें अब हट गई है। नेक्स्ट जो आप सेक्शन 20 है इसमें सेक्शन
49 को अमेंड किया गया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बेसिकली। तो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की अब जरूरत है नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन कहीं पे आपका रजिस्टर्ड जो एड्रेस है उसको चेंज करना है तो इसको आप ऑनलाइन कर सकते हो, और पूरे स्टेट में अब तो कहीं भी आप अपने व्हीकल को रजिस्टर करवा सकते हो, तो वो वाली प्रॉब्लम रहेगी नहीं आपको चेंज करने की। और अगेन आपको चेंज करना है अभी तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, और किसी भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास आप ये चीजें कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका क्लॉज है 21, सेक्शन 52 की बात की गई है, यहाँ पे इसको अमेंड किया गया है, अल्ट्रेशन इन द मोटर व्हीकल पे जहाँ पे बात की गई है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, जैसे कि पहले हमने कहा कि कोई भी ऐसी रेट्रोफिटिंग है सेफ्टी से रिलेटेड, एमिशन कंट्रोल से रिलेटेड, अगर कोई मैन्युफैक्चरर या डीलर या कोई भी करना चाहता है बेसिकली जो मिनिमाइज करे पॉल्यूशन को, सेफ्टी को इम्प्रूव करे, इनहेंस करे हमारे व्हीकल के, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए उसको अलाउ कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है 22, यहाँ पे अमेंड किया गया है सेक्शन 55 को, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन भी मैंने पोस्ट किया था, बेसिकली जुबिनाइल से रिलेटेड है। जुबिनाइल मतलब जिसकी एज 18 से कम है, अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो यहाँ पे जो व्हीकल का ओनर है या फिर जो उस जुबिनाइल का गार्जियन है उसको लाइबल माना जाएगा, और यहाँ पे आपके व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल किया जा सकता है 1 साल के लिए, और यहाँ पे फाइन का भी प्रोविजन है, आपने देखा होगा 25,000 तक की फाइन आपके ऊपर लगाई जा सकती है। जो सेक्शन 24 है, यहाँ पे अमेंड किया गया है सेक्शन 59 को, पावर टू फिक्स द एज ऑफ मोटर व्हीकल। तो किसी भी मोटर व्हीकल की एज होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है। सपोज बहुत बार आपने सुना होगा कि डीजल व्हीकल की एज दिल्ली में घटा दी गई, मुंबई में घटा दी गई, इस टाइप की जो एज होती है कि पेट्रोल व्हीकल है तो उसको 10 साल चलाना है, 20 साल चलाना है, व्हाटएवर दैट। तो दिस इज इम्पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू फिक्स द एज ऑफ द व्हीकल। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 27, इसमें बात किया गया है सेक्शन 64 को, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल। तो यहाँ पे अगेन चैप्टर 4 की बात की गई है। अब चैप्टर 4 किससे रिलेटेड है, कंट्रोल ऑफ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल से रिलेटेड, सॉरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल से रिलेटेड है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पावर्ड है, रूल बना सकती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 28, इसमें अमेंड किया गया है सेक्शन 65 को, पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक द रूल। अगेन जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें हैं, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन क्या होता है ऑलरेडी हमने कई बार इसमें क्विज भी पोस्ट किए हैं, डिटेल में डिस्कशन भी किया है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को इम्पावर करता है कि टेम्पररी जो रजिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड वो रूल बना सकते हैं, कोई रूल को अमेंड कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 29, यहाँ पे अमेंड किया गया है सेक्शन 66 को, नेसेसिटी फॉर द परमिट। तो यहाँ पे परमिट से रिलेटेड कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है। बेसिकली दो यहाँ पे सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं, सेक्शन सब सेक्शन ये है, सब सेक्शन इंसर्ट किया गया है 67(3) और सेक्शन 88। इन दोनों में बात की गई बेसिकली टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी जो है, रूरल कनेक्टिविटी जो है, इन सबको इंप्रूव करने की बात की गई है, और उनसे रिलेटेड परमिट की बात की गई है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे मैंने मेंशन किया नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए। जो सेक्शन 30 है, यहाँ पे सेक्शन नया इंसर्टेड सेक्शन है, उनकी बात की गई है 66A 66B के बारे में। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इंपावर करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करेगी नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। आपको पता है हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, किसी एक स्टेट से माइग्रेट आप कर रहे हो किसी अदर स्टेट में, परमिट आप ले रहे हो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है आपके पास, आप लगेज लेके जा रहे हो, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं परमिशन लेने में। तो इसको हम सिंक्रनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इजिली परमिट मिल पाए, फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, ताकि हम ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव कर पाए, चीजें जल्दी पहुंच पाए, टैक्स रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्पावर करता है कि वो एक नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाए, जिसके वजह से जो इंटर कनेक्टिविटी हमारे स्टेट्स की वो बढ़ पाए और ट्रांसपोर्टेशन हमारे देश में थोड़ा इजी हो पाए, फास्ट हो पाए। जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज 31, यहाँ पे अमेंड किया गया है सेक्शन 67 को, जो बेसिकली बात करता है पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू कंट्रोल द रोड ट्रांसपोर्ट, और ये आता है अंडर चैप्टर कंट्रोल ऑफ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल, चैप्टर 5 के अंडर आता है ये। तो चैप्टर 5 में बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को इम्पावर किया गया है कि जो भाड़ा है, बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हैं या स्टेट कैरेज हैं, लगेज ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, जिस टाइप के भी व्हीकल्स हों, उनका जो भाड़ा है, फेयर जो है, वो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, चूंकि एक कम्पिटिटिव फेयर हो, बर्डन ना हो, और जो लोडिंग कैपेसिटी हो, अनलोडिंग हो या क्राउडिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे रूल्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज 32, यहाँ पे अमेंड किया गया है सेक्शन 72 को, ग्रांट ऑफ स्टेज कैरेज परमिट। तो जो हमारी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख लेना,
रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, ये छूट दे सकती है स्टेट कैरेज के परमिट को इन रूरल एरिया। अगर कोई गांव की एरिया है तो वहां पे आपको परमिट लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप भाड़े पे गाड़ी चलाते हो तो आप चला सकते हो। ये पावर होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का, अगर वो चाहें तो आपको छूट दे सकते हैं। उसी तरीके से स्टेज कैरेज परमिट में भी है, उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट में भी, यहाँ पे भी आपको छूट दी जा सकती है इन द रूरल एरिया। नेक्स्ट जो सेक्शन 34 है 2019 के अमेंडमेंट का, यहाँ पे अमेंड किया गया है, अमेंड नहीं ऐड किया गया है, न्यू सेक्शन इंसर्ट किया गया। तो बेसिकली जो नए सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं उनको आप थोड़ा सा याद रखना। ये सेक्शन है 88A, बेसिकली इम्पावर करता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को टू मेक द स्कीम टू इम्प्रूव और प्रमोट द इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, इन सबको इम्प्रूव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए या प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बना सकती है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन 35 है, अमेंड करता है बेसिकली सेक्शन 92 को, जो बात करता है वाइडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ लाइबिलिटी। यहाँ पे बेसिकली लाइबिलिटी के एक्सटेंशन से रिलेटेड बातें की गई हैं। जो एडिशनल परमिट्स आपको दी गई हैं, आपके पास किसी चीज़ की परमिट है और आपको कोई एडिशनल परमिट दी गई है तो वहाँ पे जो आपकी लाइबिलिटीज है उससे रिलेटेड उसको एक्सटेंड किया गया, उससे रिलेटेड बात की गई है कि आपकी क्या क्या लाइबिलिटीज होंगी, किस किस लाइबिलिटीज से आप बच सकते हो, क्या क्या कंडीशन होंगी। जैसे सपोज करिए, बहुत बार आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट और मर्डर दोनों में अलग अलग धाराएं लगती हैं। किसी को एक्सीडेंट हो गया वो मर गया, किसी का मर्डर कर दिया गया, तो दोनों में बहुत ड्रास्टिक चेंजेज होते हैं। तो बेसिकली उन्हीं सारी लाइबिलिटीज को यहाँ पे फिक्स किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 37, यहाँ पे बात किया गया है सिविल कोर्ट की। जो सिविल कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है, ऑलरेडी हमको पता है कि सिविल कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन पे कुछ बार है कहाँ कहाँ पे सिविल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है, या सिविल गवर्नमेंट सिविल ज्यूरिडिक्शन इंटरफेयर कर सकती है तो उसको किसके अंडर में, बेसिकली हमारा जो एक्ट का प्रोविजन है उसी के अंडर में वो ऑर्डर दे सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी ट्रिब्यूनल भी है, तो चूंकि अगर हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे हमारे सिविल कोर्ट को तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा। ट्रिब्यूनल हमने क्यों बनाया है, क्योंकि हमारे सिविल कोर्ट का जो लोड है उसको कम कर पाए। तो बेसिकली यहाँ पे उनका जो रिस्ट्रिक्शन है उसको, उसमें जो एक्सटेंशन हुआ है उसकी बात की गई है। नेवर्दलेस वो बहुत ही जनरल बातें हैं, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है तो मैं मेंशन कर देता। जो नेक्स्ट सेक्शन है 38, यहाँ पे अमेंडमेंट की बात की गई है सेक्शन 96 के, पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक द रूल टू प्रपोज्ड इन दिस चैप्टर। बेसिकली 96 है तो 96 कौन से चैप्टर में आता है, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट को इम्पावर करते हैं कि चैप्टर 5 से रिलेटेड रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। ऑलरेडी वो सारी चीजें वहाँ पे पहले से भी मेंशन है, उससे रिलेटेड वो रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, बट थोड़ी सी चीजें और ऐड की गई कि और कौन कौन से फील्ड में वो रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 40, यहाँ पे नया सेक्शन इंसर्ट किया गया हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में, दैट इज 110A एंड 110B। बेसिकली ये इम्पावर करते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकॉल करने के लिए। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, मान लीजिए कोई डिफेक्टिव व्हीकल्स बना देता है जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑर्डर दे सकती है कि वो जितनी भी व्हीकल उस टाइप के सेल किए हैं सबको रिकॉल करें, मतलब वापस बुलाएं। एक चीज और है यहाँ पे कि बिना अप्रूवल के आप कोई भी ट्रेलर, सेमी ट्रेलर, मॉड्यूलर, हाइड्रोलिक मॉड्यूलर, बिना भी अप्रूवल के आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन 41 है, यहाँ पे अमेंड किया गया हमारे सेक्शन 114 को, पावर टू हैव अ व्हीकल वेट, व्हीकल का वेट कर सकते हैं। ये इम्पावर करते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको किसी भी अथॉरिटी को या किसी को भी डेजिग्नेट किया तो वो व्हीकल का वेट कर सकते हैं। ओवरलोडेड जो वेट हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया, ओवरलोड जो वेट होता है व्हीकल को वहीं उतारना पड़ता है। हमारी जो अथॉरिटी होती है वो व्हीकल को कुछ डिस्टेंस तक वेट करने के लिए ट्रेवल करा सकती है, सब उसका पावर होता है। तो बेसिकली उसी की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट जो सेक्शन 42 है, यहाँ पे अमेंड किया गया है सेक्शन 116 को, पावर टू इरेक्ट द ट्रैफिक सिग्नल। बेसिकली तो जो भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको इम्पावर किया गया है बेसिकली इस सेक्शन के थ्रू कि वो इरेक्ट कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उससे रिलेटेड जो साइंस हैं वो हाईवे पे इरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन 43 है, यहाँ पे अमेंड किया गया है सेक्शन 117 को, पार्किंग से रिलेटेड या पार्किंग प्लेस से रिलेटेड बात की गई है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शन में है, स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करे रोड सेफ्टी से रिलेटेड चीजों को कि पार्क कहाँ पे करना है, कहाँ पे व्हीकल की हॉल्टिंग स्टेशन होगा, ये सारी चीजें। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 44, यहाँ पे अमेंड किया गया है सेक्शन 129 को, वियरिंग द प्रोटेक्टिव हेडगेयर, हेडगेयर मतलब हेलमेट यहाँ पे स्पेशली मेंशन है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जो भी 4 ईयर से एबव के लोग हैं उन सभी लोगों को बाइक पे हेलमेट पहनना कंपलसरी है। डजंट मैटर इवन दो बाइक पे पीछे बैठे हुए हैं तो भी उनको हेलमेट पहनना कंपलसरी है।
नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 45, यहाँ पे नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है 134A। ऑलरेडी आपके पास 134 था, ए इंसर्ट किया गया है। गुड सैमरिटन की बात आपने सुना होगा, जो बेसिकली एक्सीडेंट के टाइम पे हेल्प करते हैं, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है उसका, तो उसके पास कोई सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं रहेगी। अगर आप किसी का हेल्प करते हो, उसकी डेथ हो जाती है, तो आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल या सिविल लाइबिलिटी नहीं बनती। आपको पैसे भी नहीं देने हैं और आपको कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी भी फेस नहीं करना है। जो सेक्शन है 146, यहाँ पे अमेंड किया गया है सेक्शन 135 को। बेसिकली ये स्कीम से रिलेटेड बातें करते हैं, इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट में कैसे किया जाए, उससे रिलेटेड कैसे स्कीम बनाया जाए, तो उससे रिलेटेड बात करते हैं। ऑलरेडी ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि जो भी एक्सीडेंट हो उसकी डीप हिस्ट्री या रिसर्च होना चाहिए, एक्सीडेंट क्यों हुआ, उसको रिमूव करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या फॉल्ट है, जो हमारे हाईवेज हैं उसके साइड में हॉस्पिटल्स बनाए जाएँ, जो बेसिक एमिनिटी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इम्प्रूव किया जाए, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। तो वही चीज़ें यहाँ पे किया कहा गया है। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये बेसिकली उसको इम्पावर करता है, ये सेक्शन उसको इम्पावर करता है कि एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी रिसर्च है, उसकी डेप्थ स्टडी है, उससे रिलेटेड जो स्कीम है, उसके एनालिसिस है, इससे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है या फिर इन्फोर्स कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है 47, यहाँ पे भी नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, दैट इज 136A। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मॉनिटरिंग की बात की गई है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करनी है टू इन्फोर्स द रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको मॉनिटर करना है। अगर कोई ट्रैफिक रूल ब्रेक करता है तो डेफिनेटली रोड सेफ्टी कंप्रोमाइज होती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करना है। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जा सकती है जिस भी चीजों का, वो करना है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 48, यहाँ पे सेक्शन 137 को अमेंड किया गया है, पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल। अगेन जो हमारा चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात करता है, व्हीकल के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है, और पहले से भी एम्पावरमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि उससे रिलेटेड वो रूल बना सकते हैं। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी एम्पावर है उससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन बनाने के लिए। तो हमारा सेक्शन 49 है, 138 है, यहाँ पे बेसिकली एड किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन 50 है, इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, जो 10 हमारा चैप्टर है जहां पे लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट है। जैसे कि आपकी व्हीकल है, यहाँ पे बेसिकली इससे पहले बात की गई थी कि मेरी व्हीकल है और मेरी व्हीकल को सपोज करिए कोई ले गया और वो एक्सीडेंट कर दिया, तो मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, बट वहां पे मैं लाइबल हूँ। तो अब इसमें बहुत सारा मिसयूज होता था। सपोज करिए मेरी व्हीकल चोरी हो गई और उससे कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, तो लाइबिलिटी मेरे ऊपर आ जाती थी, या किसी कोई मेरी व्हीकल जबरदस्ती ले जाके एक्सीडेंट कर दिया, तो इस टाइप की चीजें थी। इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखना कि चैप्टर 10 को ओमिट कर दिया गया है, जो बेसिकली बात करता था लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट इन द सर्टेन केसेस। यहाँ पे कुछ इस टाइप की चीजें भी थी कि सपोज करिए आपका व्हीकल कोई ड्राइवर चला रहा है, तो डेफिनेटली वो आपकी व्हीकल है, अब वहां पे एक्सीडेंट करता था तो ड्राइवर की लाइबिलिटी ना होके आपकी लाइबिलिटी हुआ करती थी, तो उसको भी हटा दिया गया, क्योंकि ड्राइवर की लाइबिलिटी होना चाहिए। हो सकता है वो पर्सनल ग्रीवेंसेज हो, आपकी कोई आपने सैलरी नहीं दी और एक्सीडेंट कर दे आपको फंसाने के लिए, तो इस टाइप की चीजें होती थी, मिसयूज होता था इसका, इसलिए इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन 51 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया है नया चैप्टर, जो मैं बात कर रहा था चैप्टर 11, सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, ऑलरेडी ये चैप्टर एग्जिस्टिंग था, बट बहुत सारे मॉडिफिकेशन थे, इसलिए उन्होंने मॉडिफिकेशन करने से अच्छा यही सोचा कि सब्स्टिट्यूशन कर दें। तो चैप्टर 11 पे ही चैप्टर 11 को सब्स्टिट्यूट किया गया, चूंकि बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन है इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे इंश्योरेंस से रिलेटेड बात की गई है, तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तो इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाया कि इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और इंश्योरेंस का पोर्शन। ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बेसिकली आज के डिस्कशन पे बेस्ड, तो आप ट्राई करना इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। पूरे टॉपिक को तो यहाँ पे कवर नहीं किया, बट नेवर्थलेस जो इंपॉर्टेंट है वो सबको कवर करने की कोशिश किया मैंने। इससे पहले भी हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो आप ट्राई करना कि इन सारे क्वेश्चन का सही आंसर कर पाओ, चूंकि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना, पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन को आंसर करना। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन है, वैलिडिटी ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल विल बी एक्सटेंडेड, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड वर्ड लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान देना। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप इतनी वैलिडिटी होती है तो उसको पुट कर दो, तो आप ध्यान से पढ़ के इसको आंसर करना। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।